राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू राजस्थान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक गतिविधियों का त्याग करना नहीं, अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और आचरण एवं विचारों में पवित्रता लाना। विचारों और कार्यों में पवित्रता ही जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक भी है। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी का आज इनागुरल सेशन है। इस स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशल सर्वसिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल करीब 30-40 सीनियर राजजगी राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन राजजगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पूर्ण स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही शुद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार का को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे तब से ही राय बन पाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है आहार शुद्ध स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को
प्रोत्साहित किया जा रहा है। देवियों और स्वजन, भारत सरकार देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम